बच्चों कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, स्पेशल डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। बच्चों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और वह जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म में दी गई है और ये आपका एफ एक्स जी एक्स ये फर्स्ट रो में है और इस डिटरमिनेंट का जो सेकंड रो है ई एक्स और वी एक्स है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें किसी डिटरमिनेंट को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या रूल हम लोग एडॉप्ट करेंगे। हम रूल की बात करेंगे पहले हम लोग बच्चों। तो टू डिफ्रेंशिएट our determinant, our given determinant, we differentiate one row or one column at a time keeping keeping other rows or columns unchanged। इस टेक्निक का हम लोग बच्चे इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो किसी भी एक रो या कॉलम को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अदर्स को अनचेंज रखते हुए। तो देखिए ये हमारे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, क्या होगा। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहा है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और ये आपका जी एक्स है, जी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जी डैश एक्स। सेकेंड रो को अनचेंज रखेंगे, ये आपका अनचेंज है, फिर प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट रो अनचेंज रखेंगे, सेकेंड रो यू एक्स वी एक्स है तो सेकेंड रो को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यू एक्स का डिफरेंशिएशन यू डैश एक्स होगा और ये देखिए वी एक्स है तो वी एक्स का डिफरेंशिएशन वी डैश एक्स होगा। तो ये जो तरीका हम लोगों ने अडॉप्ट किया है दिस इज कॉल्ड रो वाइज डिफरेंशिएशन, रो वाइज डिफरेंशिएशन, रो वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं।
इसका मतलब बच्चों कि कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन भी होगा, बिल्कुल श्योर बच्चों, डेफिनेटली इट मींस देयर चिल्ड्रन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गिवन डिटरमिनेंट कैन बी डन आइदर बाय अडॉप्टिंग रो वाइज डिफरेंशिएशन और कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन की, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन। इन दोनों से कोई भी एक एडॉप्ट करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन, ओके। चलिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स व्हाट, एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम को आप डिफरेंशिएट करिए, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, एफ एक्स यू एक्स है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, यू एक्स का यू डैश एक्स, और ये देखिए सेकेंड कॉलम अनचेंज रहेगा, तो जी एक्स और ये वी एक्स अनचेंज रहा। प्लस अब क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम को अनचेंज रखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में ईवेक्स सॉरी एफ एक्स ईवेक्स है और सेकेंड कॉलम में जी एक्स वी एक्स है, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स और आपका वी एक्स है, तो वी एक्स का डिफरेंशिएशन वी डैश एक्स, ठीक है। तो हम लोग बच्चों अगर हमें किसी गिवन डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो या तो हम रो वाइज डिफरेंशिएशन अडॉप्ट करेंगे या तो फिर कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन अडॉप्ट करेंगे। आप क्या करिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं अरेंज करता हूं। तो बच्चों हम लोगों ने प्रोसेस को समझा कि किस तरीके से अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इन ए जस्ट सिमिलर चिल्ड्रन अगर हमें थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसे भी हम लोग उसी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर मीन्स थ्री रोज है और थ्री कॉलम्स है। ये बच्चों देखिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है क्योंकि ये देखिए पैरेलल लाइन है, ये मैट्रिक्स नहीं है, अगर ये मैट्रिक्स होता तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होता। और ऐसे ही बच्चों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स केवल अरेंजमेंट होता है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। और दूसरी चीज मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है और डिटरमिनेंट की सर्टेन वैल्यू होगी। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं बच्चों। एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है और यहां भी हमें एफ डैश एक्स जो निकालनी है ये सिंबल आपका कैपिटल एफ ही रहेगा। अब देखिए क्या किया जाए, डिफरेंशिएट करना है तो डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, सिंबल कुछ भी हो सकता है बच्चों, मतलब ये स्मॉल एफ एक्स भी हो सकता है। अब देखिए क्या करिए आप कि फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करिए, तो फर्स्ट रो में देखिए क्या है एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो मतलब वन आ जाएगा, यहां ए बी कॉन्स्टेंट जीरो, ए सी भी कॉन्स्टेंट जीरो, और बाकी जो रोज हैं दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब आप एज इट इज उतार दीजिए। सेकेंड रो और ये आपका थर्ड रो ए सी बी सी और ये एक्स प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस दीजिए। अब क्या करिए कि फर्स्ट रो एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी और थर्ड रो ए सी बी सी और एक्स प्लस सी स्क्वायर अनचेंज रखिए और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करिए, तो सेकेंड रो में ए बी कॉन्स्टेंट एक्स प्लस बी स्क्वायर और ये देखिए बी सी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स प्लस बी स्क्वायर का वन हो जाएगा और ये आपका जीरो हो जाएगा। प्लस अब क्या करिए कि पहले दो रो एक्स प्लस ए स्क्वायर
x प्लस ए स्क्वायर और ये आपका ए बी है और ये आपका ए सी है, अंशित रहेगा सेकेंड रो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर और ये आपका बी सी अंशित। अब देखिए थर्ड रो क्या है, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए सी कॉन्स्टेंट जीरो डिफ्रेंशिएशन, बी सी कॉन्स्टेंट जीरो और ये एक्स प्लस सी स्क्वायर का वन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर हमें दी गई डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंशन करते समय बेटर ये होता है कि हम लोग उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसमें जीरोज की संख्या ज्यादा हो। तो आप देखिए पहले जो डिटरमिनेंट है इसमें फर्स्ट रो में मैक्सिमम जीरो है तो एक्सपेंडिंग फर्स्ट डिटरमिनेंट अलोंग आर वन। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ये वन है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बात नहीं उतना ही आएगा। तो देखिए वन से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा। तो अब क्या करेंगे कि वन किस रो में है तो फर्स्ट रो में है, किस कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम में है। तो अगर आप इसे डिलीट कर दीजिए ऐसे ऐसे और ऐसे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, एक्स प्लस बी स्क्वायर और ये बी सी और यहां क्या बचेगा बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर बचेगा और ये देखिए प्लस। सेकेंड डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे अलोंग आर टू, सेकेंड रो के अलोंग। अब देखिए यहां भी जीरो और ये वन, तो ये देखिए इस टाइप से ऐसे ऐसे जब रखिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए सी और ए सी और ये एक्स प्लस सी स्क्वायर। मतलब ये बच्चों की वन जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए सी और यहाँ ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो मैं लिख दे रहा हूं और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो ये आया और यहां पर आपका ए सी और ये ए सी और ये एक्स प्लस सी स्क्वायर इन ए जस्ट सिमिलर मैनर चिल्ड्रेन थर्ड डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग आर वन। तो देखिए आर वन में यहां जीरो ये वन आया, वन किस पोजिशन पे है आपका, देखिए थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में यहां पर मतलब थ्री थ्री पोजिशन पे है तो इसका भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां भी देखिए टू टू पोजिशन पे था तो वन के का जो साइन होगा प्रॉपर साइन पॉजिटिव होगा और ये वन वन पोजिशन पे है तो यहां भी वन का साइन पॉजिटिव था। ओके अब देखिए अगर आप ऐसे रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूं, एक्स प्लस ए स्क्वायर और ये आपका ए बी और यहां देखिए ए बी और ये एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपल है, आप देखिए क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, ये तीनों का तीनों, तो सेकेंड ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है एक्सपेंड करना है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, यहाँ एफ जी लिखा है और यहाँ मान लीजिए एच जो है कुछ भी या क्यू लिखा है, तो कैसे करिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब एफ इंटू क्यू माइनस एच इंटू जी ऐसे। ठीक है, तो इसी टेक्निक के तहत हम लोग यहां भी काम करेंगे। तो ये देखिए ये है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस अब अलग से बी सी और बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये वैल्यू किसकी है, पहले डिटरमिनेंट की है। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड डिटरमिनेंट को भी हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर ए सी इंटू ए सी माइनस ए स्क्वायर
सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो यहां भी वही काम किए हैं, ऐसे मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया हूं, ये किया हूं, यहां भी वही काम करने जा रहे हैं। ये देखिए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस आपका अलग से, और ये मल्टीप्लाई, तो माइनस ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जब एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम लोग को देखिए कुछ ऐसे मिलेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, और ये प्लस यहां से देखिए यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर यहां भी है और ये यहां भी है, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और ये देखिए प्लस एक्स कॉमन लेने के बाद देखिए कॉमन किस में लेना है, यहां यहां और यहां, तो एक्स कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर आपको देखिए क्या मिलेगा, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, और टू कॉमन ले लीजिएगा, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, तो टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये है आपकी वैल्यू ए डैश एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो हम लोग को फाइंड आउट करनी थी। तो बच्चों हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो आप क्या करिए वीडियो पॉज करके ब्यूटीफुल राइटिंग में नोट डाउन करिए, तब तक मैं अरेंज करता हूँ। तो बच्चों और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों देखिए टॉपिक कितना भी टिपिकल हो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी। देखिए फर्स्ट रो में क्या है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, सेकेंड रो में क्या है, एल एम एन है, थर्ड रो में क्या है, ए बी सी है। तो तरीका वही, या तो आप रो वाइज डिफरेंशिएशन नोट करिए या तो फिर कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो देखिए एफ डैश एक्स और ये आपका जी एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, ये आपका एच एक्स डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, यहां से देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई है, ट्रीटिंग अदर रोज अनचेंज्ड, तो ये एल एम एन अनचेंज्ड है, ए बी सी अनचेंज्ड है, ये प्लस लगाएंगे। आप देखिए उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो अनचेंज, ये अनचेंज, और थर्ड रो भी अनचेंज, ये हमने लिख दिया। तो सेकेंड रो क्या बचा, एल एम एन, एल एम एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी जीरो, इट मीन्स दैट जीरो 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 प्लस। आप देखिए अब क्या करेंगे कि फर्स्ट टू रोज अनचेंज्ड, एफ एक्स जी एक्स और ये एच एक्स, एल एम
एंड, ये अनचेंज है, तो थर्ड रो क्या है, ए बी सी, ए बी सी भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी जीरो, तो ये आपका जीरो जीरो और ये जीरो। तो बच्चों ये जो आप डिफरेंशिएशन देख रहे हैं ये सेकेंड डिटरमिनेंट, सेकेंड जो डिटरमिनेंट है आपका इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि ये देखिए सेकेंड रो में सभी जो एलिमेंट हैं जीरो हैं, और यहां भी देखिए ये जो आपका थर्ड डिटरमिनेंट है इसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इसमें देखिए थर्ड रो में सभी एंट्रीज जीरो है, सभी एलिमेंट जीरो है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई जो होगा आपका यही होगा, कौन सा, एफ डैस एक्स, जो पहली जो डिटरमिनेंट है, सेकेंड डिटरमिनेंट और थर्ड डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एफ डैस एक्स, जी डैश एक्स और ये आपका एच डैश एक्स, और सेकेंड रो में एल एम एन, थर्ड रो में ए बी सी, ठीक है। आप चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग, और ये जो आंसर है आपका डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, ओके। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है, तो कहीं पर किसी एग्जामिनेशन में ये प्रूफ दैट भी पूछा जा सकता है कि अगर ये वाई इज इक्वल टू इतना दिया है तो आप प्रूफ करिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई जो होगी इस फॉर्म की होगी जो आपके सामने जो डिटरमिनेंट है। तो बच्चों क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं अरेंज करता हूँ। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन फर्स्ट रो इन सेकेंड रो वन ट्वाइस एक्स थ्री एक्स स्क्वायर एंड इन थर्ड रो जीरो टू सिक्स एक्स, देन वी हैव टू फाइंड एफ डैस एक्स। तो किया जाए बच्चों, डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और ये कुछ और नहीं है बच्चों, ये एफ डैस एक्स है, ठीक है। डैश सिंगल डैश स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर मान लीजिए दो डैश रहेगा तो सेकंड डेरिवेटिव होगा, तो यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव से सेंस है। तो तरीका क्या है, या तो आप रो वाइज डिफरेंशिएशन एडॉप्ट करिए या तो फिर कॉलम वाइज। तो मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में क्या है, एक्स है, डिफरेंशिएशन वन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और ये देखिए एक्स क्यूब है तो इसका हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो बाकी दो रो जो होंगी वो अनचेंज रहेंगी, तो वन ट्वाइस एक्स और ये आपका थ्री एक्स स्क्वायर, और थर्ड रो में आपका जीरो है, टू है और ये सिक्स एक्स है, फिर प्लस लगाइए। अब क्या करिए कि फर्स्ट जो रो है अनचेंज रखिए और थर्ड भी अनचेंज रखिए, और आप डिफरेंशिएट करिए जो है सेकेंड रो को, तो यहां क्या है वन है, वन का क्या हो जाएगा जीरो, और यहां क्या है टू एक्स है तो टू हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर है तो ये सिक्स एक्स हो जाएगा, प्लस अब क्या करिए कि पहला जो रो है आपका एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और सेकेंड रो क्या है वन ट्वाइस एक्स और थ्री एक्स स्क्वायर, अनचेंज रखा तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, थर्ड रो का करेंगे, तो जीरो का जीरो, टू का टू भी कांस्टेंट है तो जीरो, तो जीरो जीरो और सिक्स एक्स का सिक्स हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले डिटरमिनेंट में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल है, देखिए वन टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर वन टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो। व्हाई, तो सिंस
आर वन एंड आर टू आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों रो में एक ही एलिमेंट है। अब इसकी ही बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे देखिए इन सेकंड डिटरमिनेंट, सेकंड रो 0 2 6x, थर्ड रो 0 2 6x, तो ये जो आपका सेकंड डिटरमिनेंट है इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी? तो सिंस आर टू एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों की फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, सेकंड डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0, तो एग्जिस्ट कौन करेगा? आपका थर्ड वाला। तो थर्ड में देखिए, थर्ड डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग बच्चों किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम लोग रो वाइज किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंशन करते समय इस बात का हम लोग क्लियर करते हैं कि हम लोग उस रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे जिसमें जीरोज की संख्या मैक्सिमम होगी। तो यहां देखिए थर्ड रो में क्या है, मैक्सिमम 0 है, यहां भी यहां भी, तो हम लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं इस रो के लॉन्ग। अब देखिए 6 कहां पे है, 3 3 पोजीशन पे है, इसका मतलब 6 का जो प्रॉपर साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक डैश एक्स जो आएगी हम लोग को, ये 0 प्लस 0 और वहां से देखिए प्लस 6 और साथ में ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा। कैसे? अगर हमें एक्सपेंशन करना है थर्ड रो के लॉन्ग, तो 0 का जो भी कोफैक्टर होगा मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 0 के साथ जो भी रहेगा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 6 into, अब ये देखिए थर्ड रो में है और ये थर्ड कॉलम में है, डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स एक्स स्क्वायर 1 2x, तो एक्स एक्स स्क्वायर और ये देखिए 1 और ये 2x। ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसे हमको एक्सपेंड करना है, तो ये देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0, किसी भी नंबर में किसी भी क्वांटिटी में आप 0 ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगी, यहां भी 0 है यहां भी 0 है, इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू हमको मिलेगी यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये 6x into 2x आपका आ जाएगा 2x² माइनस x² into 1, तो आपका आ जाएगा x² आ जाएगा, तो 2x² माइनस x² कितना आ जाएगा, x² ही तो आएगी ना, तो कुल मिला के हम लोग को वैल्यू कितना आया, हम लोगों को एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आई 6x² आ गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके जो वैल्यू आएगी उसका भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, आप इसे डायरेक्ट जो है एक्सपेंड कर लीजिए, एक सर्टेन वैल्यू आएगी एफ एक्स की, आप उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आसान होगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितना भी डिस्कस किए डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।